बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए टी टाइम केक की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर पर बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप घी ले लिया था। अब हम इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको हम बस इतना ही बीट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग 1 कप चीनी ऐड कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। चीनी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया घी में। यहाँ पर हम लोगों ने 4 अंडे ऐड कर लेने हैं 1 बाय 1। दो अंडे हम लोगों ने पहले ऐड किए थे, 2 अंडे अब हम लोग अभी ऐड कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर लेना है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने आधा कप दूध ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। यहाँ पर 2 कप हम लोगों ने मैदा लिया था। यहाँ पर 1/2 कप मैंने कोको पाउडर लिया है। यहाँ पर 2 टीस्पून हम लोगों ने बेकिंग पाउडर ऐड कर लेना है और 1/2 टीस्पून हम लोगों ने बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे 1/2 1/2 करके। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर मिक्सचर रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छे से मिक्सचर बनकर रेडी हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने दो मोल्ड लिए हैं, इसको घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम यहाँ पर मिक्सचर मोल्ड में ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बंटी ऐड कर लेंगे, केक जब बेक होगा तो ये सारी बंटी अंदर चली जाएंगी। इसको हम लोग बेक कर लेंगे 170 डिग्री पर 30 to 35 मिनट के लिए। यहाँ पर केक बनकर रेडी हो गया था, हम लोगों ने इसको कट भी कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार केक बनकर तैयार हुआ था, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक। आप इस केक को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं हफ्ते दो हफ्ते के लिए।